टीवी का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 17 में इन दिनों काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही में इस रियलिटी शो में आयशा खान ने बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री कर ली है। आयशा मुनव्वर फारूकी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। वहीं आयशा के आने के बाद मुनव्वर का भी सारा ध्यान उन्हीं पर रहता है। इसी के साथ उनके आने से इस रियलिटी शो में चीजें काफी उलट पुलट हो गई हैं। इन सब के बीच मुनव्वर फारूकी को लेटेस्ट एपिसोड में आयशा खान को प्रपोज करते हुए देखा गया है। जी हां, दरअसल बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में मुनव्वर फारूकी आयशा से पूछते नजर आते हैं कि क्या उनके बीच कोई फ्यूचर है। दरअसल हाल ही में एक बातचीत में मुनव्वर ने आयशा से पूछा, अगर हम अपने मुद्दे सुलझा ले तो क्या आपका परिवार मुझे एक्सेप्ट करेगा और क्या हमारे बीच कोई भविष्य है। आयशा ने पूछा कि क्या वो वास्तव में चीजों को ठीक करना चाहते हैं, जिस पर मुनव्वर ने जवाब दिया, अगर वो कर सकते हैं तो उसे अच्छा लगेगा। अब भाई क्या था, इस कन्वर्सेशन के बाद सोशल मीडिया पर मुनव्वर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने इस क्लिप को देखने के बाद कमेंट किया, कभी ये लड़की तो कभी वो लड़की, चल क्या रहा है। वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा, अरे भाई किधर किधर टांग अड़ाए हो, मुनव्वर ने कहीं एक जगह ठहर जा। वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा, चार शादी। वहीं इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, मुन्ना को अब ट्रॉफी नहीं मिलेगी बट बीबी 17 में निकाह होगा। मुन्ना को लग रहा होगा कि इतनी बेइज्जती हो गई, ट्रॉफी तो गई, सिंपैथी के लिए शादी ही सही मूव है, हाइपोक्रेट मुन्ना। वहीं इसके अलावा एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, नाउ आई एग्री, दिस गाय इज ट्रूली प्लेइंग अ गेम। इसके अलावा एक यूजर ने कहा, वी वांट नाजिला एज अ वाइल्ड कार्ड। वहीं एक ने कहा, मुझे लगता है उनको आपसे अच्छा दामाद शायद नहीं मिलेगा, सो वो कर लेंगे एक्सेप्ट। वेल, आपको बता दें कि आयशा ने मुनव्वर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि वो उनके साथ डबल डेटिंग कर रहे हैं। आयशा ने दावा किया था कि बिग बॉस 17 से पहले मुनव्वर ने उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में कास्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया था, लेकिन वीडियो कभी नहीं बना और जब मैं दूसरी बार उनसे मिली तो उन्होंने आई लव यू कहा। आयशा ने आगे आरोप लगाया था कि जब उन्होंने मुनव्वर से उनकी गर्लफ्रेंड नाजिला के साथ उनके रिश्ते के बारे में सवाल किया तो उसने दावा किया कि उनका पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन इन सब चीजों के बाद अब फिर से मुनव्वर फारूकी और आयशा के बीच नजदीकियां देखने को मिल रही हैं। पहले इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।